हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्रू गेज, और इसको हम लोग पिच गेज भी बोलते हैं। ये कैसे यूज करते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। इसके हम लोग लाइक प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअसली इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग देख रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो और या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये पिच गेज के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्रिस्टल कंपनी का, ये हमारे पास पिच गेज है। यहाँ पे लिखा है वाइट वॉर्थ 55 डिग्री, और इसके बैक साइड में लिखा है मैट्रिक 60 डिग्री। यानी कि इसमें देखेंगे ना, दो साइड है। यहाँ पे मैट्रिक यानी कि ये आपको एमएम में दिया रहेगा, और ये जो है ब्रिटिश यूनिट है। आप यहाँ पे देखोगे ना 62 जी, ये सब 40 जी, ये यानी कि जो आपके इंचेस में रहेंगे स्क्रू वगैरह बोल्ट वगैरह जिसकी थ्रेड रहेंगी वो उसके लिए है। और ये साइड में जो मैट्रिक है, जो एमएम में हमारी स्केल होगी या फिर एमएम में जो हमारी पिच होगी, हम लोग उसको ए साइड से मेजर करते हैं। आप देखेंगे इसमें क्लियरली दो साइड दी हुई है। अब यहाँ पे देखो एक ये है स्क्रू, जिसको आप लाइक लूज करके आप इनके जो ये है टीथ को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके का है। इस तरीके ये से आप टाइट कर सकते हो अगर आपको कुछ चेक करना है, और इस तरीके। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अभी मैट्रिक के स्केल मैट्रिक को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ब्रिटिश ये इंच वेस में कोई ये नहीं है, कोई बोल्ट वगैरह नट नहीं है चेक कर। गाइज अभी हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो पिच को मेजर करते हैं। लाइक कोई भी, जैसे हमारे पास कोई भी एक बोल्ट है, जैसे ये इस टाइप का ऐसा बोल्ट है, तो इसका पिच कितना है। तो हम लोग लाइक अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम लोग विजन मेजरिंग हो गया, सीएमएम पे भी चेक कर सके। अगर आपके पास ये सब मशीन्स नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे थ्रेड को। तो हमारे पास ये टूल है, ये बहुत ही लाइक ओल्ड टूल है, हम लोग बहुत दिन से यूज करते हैं, और ये बहुत ही लाइक इफेक्टिव भी है, यूजफुल है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे, ये 0.25, 0.3 ये पिच है, 0.35, 0.4 इस तरीके से देखेंगे। इसमें अलग अलग पिच है, यानी कि 1 mm का पिच है। फिर इस साइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1.25, फिर इस तरीके से 2 mm के पिच, 3 के, फिर 6 mm, मैक्सिमम 6 mm तक का पिच है, ये एमएम में है सब। सो गाइस अभी हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अभी। जैसे हम लोग ने अभी जैसे इसका कितना पिच है अभी हमको मालूम नहीं है, अभी हमको आइडेंटिफाई करना है इसका पिच कितना होगा। तो जैसे हम लोग अभी जैसे कोई भी देखते हैं, अभी हम लोग इसको पिच थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो 1 mm देखा तो इसमें देखिए क्लियरली 1 mm के देखेंगे तो क्लियरली गैप आ रहा है, गैप आ रहा है। अभी हम लोग दूसरा एक चेक करते हैं, अभी एक 1.5 करते हैं, 1.5 में भी गैप आ रहा है। एक बार 1.25 देखते हैं, ऐसे एक दो आपको लगा के चेक करना होगा। अभी देखें यहाँ पे देखो 0.0 एकदम गैप मिल रहा है, और इसके टीथ को ये अटैच हो जा रहा है एकदम, लाइक इसमें हम लोग को कोई भी गैप नहीं मिल रहा है, तो इसका पिच है 1.25। सो गाइज अभी हम लोग एक और कंपोनेंट देखने वाले हैं जिसका पिच कितना है हम लोग को मालूम नहीं है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे 0.9, ये हल्का हल्का देखोगे मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको गैप दिख रहा है इसमें। तो अभी हम लोग एक और देखते हैं, फिर 1 mm में देखेंगे। अब देखो जब जो फिट होने वाला रहेगा ना, जो लाइक जिसका एकदम मैच हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसके इसमें फिट हो जाएगा। तो ये देखो 1 mm एकदम फिट हो रहा है, कोई गैप नहीं दिख रहा हमको। तो ये यानी कि इसका पिच कितना है 1 mm। गाइज हम लोग ने एक और बोल्ट लिया है जिससे आपकी प्रैक्टिसेस ज्यादा से ज्यादा हो, और मैं अगर आपको शो करूंगा तो शायद आपको लाइक थोड़े से और भी लाइक डीप में आपको मालूम पड़े। अभी जैसे मैंने यहाँ पे भी ये हमारे पास बोल्ट है 1.25 ट्राई किया, 1.5 देखते हैं, ये 1.5, 1.5 भी नहीं फिट हो रहा है। अभी 1.75 देखते हैं, ये देखो क्लियरली, ये देखो 1.75 एकदम फिट हो जा रहा है, तो इसका पिच क्या है 1.75। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि एक और कंपोनेंट हम लोग ने एक और बोल्ट को लिया है, इसका देखेंगे पिच कितना है। अभी हम लोग ने 1.525 ट्राई कर रहे हैं, गैप आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, अभी ये 1.25, ये देखो एकदम मैच हो गया, ये 0.0 देखो गैप आ रहा है। आप थोड़ा सा देखोगे ना तो 0.0 इसमें गैप होगा, तो इसका पिच 1.5। इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारा बोल्ट लिया, एक हम लोग नट भी ले लेते हैं तो उसका कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। अभी जैसे बोल्ट है हम लोग 1.5
फाइव देखते हैं अभी इसमें, देखो ये 1.5 में भी इसमें भी गैप आ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। ये देखो ये 1.5 मैच हो जा रहा है ये बोल्ड में, 1.5 है। अगर आप जब चेक करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लाइक इंचेस के जो है बोल्ट, अगर आप उसको देख के समझ सकते हो कि वो कितने का ये है। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और इस तरीके के वीडियो के लिए आप कमेंट करिए वीडियो में। अगर इस तरीके के और भी वीडियो जो यूजफुल है आपके लिए, अगर यूजफुल लगता है तो आप इस तरीके के वीडियो के लिए कमेंट करें। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।